मैं किसी फिल्म को प्रोड्यूस करने का क्राइटेरिया ये है कि उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट हमको एक्साइटेड होना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए, क्योंकि हम एक दर्शक अपने आप को दर्शक के रूप में देखते हैं। हमें पहले पसंद आएगी पहली चीज़ वो है, उसके बाद ही फिल्म बनाते हैं। अभिनेता का काम एक अलग होता है और प्रोड्यूसर के लिए एक अलग काम होता है। प्रोड्यूसर बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप इतने सारे लोग यूनिट होती है, 150-200 लोग होते हैं जिनका परिवार घर चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो काम करना चाहिए जिस काम में हमें खुशी मिलती है। मुझे प्रोड्यूस करने में बहुत खुशी मिलती है, और उसके अलावा मैं क्रिएटिवली इन्वॉल्व रहता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर, म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वो बनना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना का मतलब ये नहीं कि आपको एक्टिंग करना चाहिए या बहुत सारे चीज़ें। आपके मन को जो चीज़ है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं। और मुझे अभी तक एक्टर जो मिले, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जी, मैं ऑलरेडी हिंदी शो कर रहा हूँ। एक शो आता है क्राइम अलर्ट दंगल चैनल के ऊपर। अभी कुछ शोज़ और मेरे चल रहे हैं जी के लिए, और उसके अलावा मैं बंगाली फिल्म किया है, मराठी किया है। मैं मोस्टली सारी लैंग्वेज में फिल्म करता हूँ। अगर सब्जेक्ट मुझे अच्छी लगती है, वो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, वो डेफिनेटली मैं फिल्म बनाता हूँ। अभी भोजपुरी में 2-3 सब्जेक्ट हमने सुन रखी है, मुझे पसंद आया है वो सब्जेक्ट करने के लिए। और आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के लिए, उसकी बुनियाद होती है। अगर सब्जेक्ट अच्छा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता फिल्म। और सिर्फ बनाने के लिए आपको बनाना है कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बनाते जाएँ, तो वो भी मतलब नहीं। हमने अभी तक जो भी लैंग्वेज में फिल्में बनाई या जो भी काम करते हैं, आप हमारा काम देखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये हम पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। हमें अगर पसंद नहीं है तो फिर हम दूसरों के लिए क्या इसको अपने मन से करेंगे। Planet Bhojpuri